हाँ जी, किदा सारे चढ़दी कला च? अज कर रहे नई वीडियो की शुरुआत, और थोड़ी बहुत मैं पंजाबी च बनाने की कोशिश कर रहा, क्योंकि मेरे जो ससुराल वाले साइड दे हैं, जिदा कि विशाखा दे मासियां वगैरह ते होर भी, वो पंजाबी ज़्यादा बोलते हैं, हिंदी बहुत घट। अज कोशिश कर रहे हैं कि पंजाबी ची वीडियो बनावा। तो सवेरे सवेरे ब्रूनो के नाल घूम आया इधर फ्लड च, तो इधर आ इंजॉय कर रहे हैं, दौड़ दौड़ के मज़े ले रहे हैं। पूरा खुला एरिया है, क्योंकि मोहाली तो खुला छड़ नहीं पाते, टाइट गलियां, नाले कुत्ते होंगे, नाले लोग होंगे, नाले गड्डियां, तो उधर तो खुला छड़ नहीं पाते। जो अपने घर के अंदर दौड़ पाता है या छत के उत्ते दौड़ पाता, बस वही दौड़ पाता। इधर पर जाना किधर जाना कितने नहीं जाना, अज करे ही है तो घर इंजॉय करना है। घुमा लिया ब्रूनो नू, तो चलिए वापिस घर नू। तुहानू पुराना घर भी दसना है, सलेटा वाला घर, जिदे च आलमोस्ट बचपन अपना कट्टिया होया। तो बस पंजाबी इन्नी इतने ज़्यादा हो नहीं पानी मेरे ते, क्योंकि नहीं तो पता चलिया ब्लॉग की जगह कोई कॉमेडी ब्लॉग बन गया। तो ये है हमारा पुराना घर, स्लेटों वाला और मिट्टी का बना हुआ है। ये इस साइड ये हमारा पुराना मोहल्ला है, तो अभी तो अबंडन हो गया है, क्योंकि सब ने अपने अपने घर डाल लिए हैं, इधर उधर खेतों में या कोई सड़क के किनारे चला गया है। चलो ये को छोड़ो, अपना मैं दिखाता हूँ अंदर का कैसा है। ये अभी पक्के कर लिए हैं आंगन वगैरह। ये लेफ्ट वाली साइड दादी ने थोड़ा सा पक्का एक कमरा वगैरह डाल लिया है। ये वाला कमरा है, ये कमरे में अपना बचपन जो है निकला हुआ है, इसी में अपना बेड वगैरह लगाए हुए थे और टीवी फ्रिज वगैरह सब कुछ इसी में था। ये छत पूरी उसकी बनी हुई है लकड़ी की, ये तीन चार अलमारियाँ हैं। अभी चलते हैं बाहर, नाम लेते हैं, तेज नहीं बोल सकते। मैंने भी खाना था, मेरे को हलवा दो। हलवा उधर बहुत पड़ा हुआ है। अच्छा उधर छोड़ा है। आ जाना जल्दी, चपातियां बनानी है। अच्छा चपातियां बनानी है। अच्छा पापा वो जी, अच्छा अच्छा वो तो शायद मम्मी दे ना मेरे को क्या। हाँ तो खानी लगी भुख ना ना ब्रूनो हो। हाँ कोई नहीं। अच्छा एक तो ये रह गया था, ये दिखाता हूँ मैं आपको, किचन जो पुराने टाइम में यूज़ करते थे हम। ये इस साइड छत के लिए ऊपर को जाता है रास्ता। ये पुराने ज़माने की चक्कियाँ हैं, दाल वगैरह पीसते थे, आटा वगैरह ऐसे से पीसते थे। और ये वाला किचन था, ये अब तो यूज़ नहीं करते हैं, तो स्टोर टाइप का बन गया है। और ये चूल्हा है जिसमें लकड़ वगैरह जलाते थे। तो बस इतना ही है, इधर आज ये कर रहे हैं काम, लकड़ी काट रहे हैं। ये देखो पाइप के बीच में घुस गया है, ये नतीजा होता है काफी टाइम बाद आने का। ये देखो ये पूरे नज़ारे ले रहा है। जब इसको बोला जाता है ना कि डंडा लेके आ रहा है, तभी बाहर भाग के निकल के आते, नहीं तो कभी इधर कभी उधर देख रहा। अभी दोपहर के बन गए हैं 12:00 और लंच में हमारा आज हम खाएंगे कि विशाखा उसका प्रिपेयर कर रही है, मसाला प्रिपेयर हो रहा है। इसमें चीनी कुटे गए डाला है, धनिया, हरी सौंफ, हरा धनिया, प्याज की भूके, हरी मिर्च, गरम मसाला, चीनी, नमक, ये काट के रखा हुआ है। तीन तो बोलते हैं पहाड़ी में कुंडा डंडा, और इसमें हमें डंडा कुंडा ठीक है, चलो छोड़ा। दादी आए हुए हैं और आज इसी का लंच करेंगे। ठीक है, खा के देखते हैं पता कैसा है। बोझ कितने बने
क्या खट्टा ना हो जाए तब तक और कौड़ा स्टील से कोई नहीं फिर बनाएंगे लगाती हूँ मैं घर पे लगाती हूँ रोनो को दिया नहीं रोनो टेस्ट कर नहीं खाना अच्छा नहीं लगा अच्छा ठीक तो उसी टाइम फिर लंच करके हम निकले थे माता जी के मंदिर के लिए तो पहुंच गए अभी हम मंदिर के बाहर ये है नागरी माता जी और इनकी इतनी शक्ति है कि आसपास के गांव में किसी को भी अगर सांप वगैरह काट लेता है तो वो यहीं पे आके ठीक हो जाते हैं दादी जी अंदर फेरे लगा रहे हैं माता के शोभा इधर गई है ये भोलेनाथ जी का मंदिर है तो यहाँ पे भी मत्था टेक लेते हैं जय भोलेनाथ जी जय हो यहाँ पे मत्था टेक लिया हमने बोलो गाड़ी बोलो वो शो मिल गया तो जाया हो फिर तो अभी फिर निकल रहे हैं घर को एंड दोनों को काफ़ी टाइम हो गया उसको घर के अंदर ही बंद किया हुआ है मम्मी भी हैं पर उसको बाहर नहीं निकाल सकते नहीं तो वो भागता है मोहल्ले की तरफ सो थैंक्स फॉर वॉचिंग